बाड़ा गांव के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 21 पर मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ किया गया। आयोजित कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी नवनीत नमन, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी डॉक्टर दर्शना कुमारी, सीएससी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर दिलीप कुमार एवं प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मोहम्मद तैयब हुसैन ने संयुक्त फीता काटकर किया। इस मौके पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने कहा कि 11 सितंबर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोदावनपुर में गर्भवती महिला एवं बच्चों को नियमित टीकाकरण से आच्छादित करने के लिए मिशन इंद्रधनुष बनाने का शुभारंभ किया गया। उन्होंने बताया कि सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान 11 से 16 सितंबर तक चलेगा, जिसमें जन्म से 5 वर्ष के बच्चों और टीडी के खुराक से वंचित गर्भवती महिलाओं को शत प्रतिशत टीकाकरण से आच्छादित करना है। इसके साथ ही अभियान के तहत खसरा, रुबेला और पीसीवी एफआईपीवी के तृतीय खुराक के आच्छादन के सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान देने की बात कही। वहीं बीडीओ ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती माताओं में होने वाली गंभीर बीमारी को रोकना है, ताकि शिशु मृत्यु दर व मातृ मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। इस अवसर पर प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक मनीष कुमार ने बताया कि प्रखंड अंतर्गत बच्चे एवं गर्भवती माताओं का हेड अकाउंट सर्वे कार्य पूर्व में पूरा कर लिया गया है, जिसमें जन्म से 2 वर्ष के 299 बच्चे, 2 वर्ष से 5 वर्ष तक के 74 बच्चे और 70 गर्भवती माताओं को 46 टीकाकरण सत्र के माध्यम से टीकाकृत किया जाएगा। वहीं एएनएम मालती कुमारी एवं चलकी गांव के सामाजिक कार्यकर्ता गोपाल पासवान के द्वारा आगत अतिथियों को औषधीय गुणों से भरपूर अमरूद के पौधे सामान स्वरूप भेंट किया गया। वहीं अतिथियों द्वारा बच्चों को डिजिटल वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र भी दिया गया। मौके पर सीएससी के लेखापाल अशोक कुमार, एएनएम उर्मिला कुमारी, यूनिसेफ से रंजीत कुमार, आशा फैसिलिटेटर अविनीशा कुमारी, सेविका सविता कुमारी, अनीता कुमारी, रीता कुमारी, पुनीता कुमारी, रिंकू कुमारी, रूबी कुमारी, आशा कार्यकर्ता सुधा कुमारी, नीलम कुमारी, रिंकू कुमारी सहित उनके स्वास्थ्य कर्मी व ग्रामीण मौजूद थे।